अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेस्टी और हेल्दी चिकन सूप की रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से हम घर पर बना सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं हम चिकन सूप की ये मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुकर गरम करने रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल, और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, जिसे आधी प्याज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा हम प्याज का भी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हमें छोटी आधी प्याज लेनी है, वो हम प्याज डालेंगे। और साथ में ऐड करेंगे 3 लौंग, 1 हरी इलायची, 3 से 4 काली मिर्च और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें ऐड किया है, वो हम डालकर अब भून लेंगे प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक। हल्का सा बस प्याज पे लाइट गोल्डन कलर आ जाए, इतना हम प्याज को भून लेंगे। ये देखिए प्याज पे जो है वो लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम, जिसे अच्छी तरह से साफ करके वॉश कर लिया है, वो चिकन हम इसमें डाल देंगे। और चिकन को हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो अच्छी तरह से यहाँ पर हमें चिकन को 3 से 4 मिनट तक भून लेना है, ताकि जो कच्ची महक होती है वो ना आए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने चिकन को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो पहले अदरक लहसुन का पेस्ट को भी हम भून लेंगे, ताकि उसकी भी जो कच्ची स्मेल होती है वो ना आए। तो 1 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन को भी यहाँ पर भून लेंगे। तो ये देखिए अदरक लहसुन को भी मैंने 1 मिनट के लिए यहाँ पर भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो ये हम 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। बस ज़्यादा मसाले हमें इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम इसे हेल्दी बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे लगभग 1/2 से 1 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 से 1 मिनट तक मैंने मसाले को भी भून लिया है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ये देखिए अच्छी तरह से ये भुन गया है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी। तो यहाँ पर ये 1 गिलास मैंने ऐड किया है, और 1/2 गिलास मैं ऐड करूँगी। तो 1.5 गिलास हम पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, और फिर से हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो ये हमने मिक्स कर लिया है, और अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें ले लेंगे 4 प्रेशर, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और सूप भी हमारा बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए 4 प्रेशर हमने यहाँ पर ले लिया है, और ये हमारा चिकन सूप झटपट हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार है, बिना मसाले का, लेकिन बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद रहता है। जो हम कम मसाले हमने इसमें यूज़ किया है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, और ये हेल्दी भी होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, और ये चिकन सूप की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।